हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग विज्ञान विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी और केमिस्ट्री से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, साथ ही साथ दो ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंतर्गत दो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा आपका विटामिन और दूसरा होगा रासायनिक पदार्थ। ठीक है, इस दोनों टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी होगा, महत्वपूर्ण तत्व होगा, और उसी से संबंधित आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी हम लास्ट में क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे। तो चलिए, आपका समय ना लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें बच्चों, यह विज्ञान सीरीज का दूसरा क्लास है। इससे पहले एक केमिस्ट्री का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, आपका समय ना लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग विटामिन से संबंधित तथ्य को देखने वाले हैं। ठीक है, विटामिन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर रासायनिक जो भी होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद जो रासायनिक पदार्थ है उसको कवर करेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, MCQ देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला है यहाँ पे विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में आपको बता दें कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। ध्यान रखेंगे आप लोग, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अगर किसी को विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। अगर किसी को भी विटामिन ए की कमी हो जाएगी शरीर में तो उसको कौन सा रोग होगा? रतौंधी हो जाएगा, मतलब उसको रात के समय में अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक है, अगला बात आता है कि विटामिन ए जो है हमको मिलेगा कहाँ से, मतलब विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का जो स्रोत है वो है आपका गाजर, दूध, अंडा, फल, ये सारे चीज़ है जिसमें आपको विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए के बारे में जो है मोटा मोटी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसके कमी से जो है आपको रतौंधी रोग होता है, और इसका जो स्रोत है आपका गाजर, दूध, अंडा और फल, ये सारे जो है इसके क्या है, स्रोत है। अगला देखिए, अगला है हमारा विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है बच्चों वो है आपका थायमिन। क्या है इसका रासायनिक नाम? इसका रासायनिक नाम है आपका थायमिन। और विटामिन B1 के कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरीबेरी। ये खास करके बच्चे में देखने को मिलता है, ठीक है, बेरीबेरी रोग। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका बेरीबेरी रोग होता है। और विटामिन बी का जो मुख्य स्रोत है, विटामिन बी का जो मुख्य स्रोत है वो खास करके आपका मूंगफली है, आलू है, ठीक है, और सब्जियाँ, ठीक है, और जो भी सब्जियाँ वगैरह है उसमें आपको विटामिन B1 देखने को मिलता है। खास करके आपको ये तीनों चीज़ ध्यान रखना है हर एक विटामिन के बारे में। पहला तो उसका रासायनिक नाम, दूसरा उसके कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और तीसरा इसका मुख्य स्रोत। ये जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है, मतलब ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं इसको तो आपके एग्ज़ाम में 2-3 नंबर तो पक्का है जो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 नंबर भी आपको देखने को मिल सकता है दोनों टॉपिक को मिला करके। चलिए, अगले स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे विटामिन B2 के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है। और इसके कमी से, अगर विटामिन B2 का कमी हो जाता है किसी के शरीर में तो क्या क्या हो सकता है? पहला तो आपको त्वचा का फटना, आपका क्या होगा, त्वचा फटने लगेगा, ठीक है, और किलोसिस होता है। ये दो बीमारी जो है आपको देखने को मुख्य रूप से मिलता है विटामिन B2 के कमी से। और किसी में विटामिन B2 की कमी होगी तो ये दोनों चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा। अब बात आता है कि इसका स्रोत क्या है, ठीक है, विटामिन B2 का स्रोत क्या है? तो विटामिन B2 का मुख्य स्रोत है आपका अंडा, दूसरा दूध, हरी सब्जी, और ठीक है, हरी सब्जियां, ये सब तीनों चीज़ जो है आपका विटामिन B2 का स्रोत है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B3। विटामिन B3 के बारे में बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नियासिन। क्या है इसका रासायनिक नाम? इसका रासायनिक नाम है आपका नियासिन, ठीक है, और इसके कमी से जो है आपको मंदबुद्धि, बच्चों में खास करके मंदबुद्धि, ठीक है, बाल का सफ़ेद होना, ये दो कारण जो होता है, मतलब ये दो रोग जो है विटामिन B3 के कमी से हो सकता है आपको। ठीक है, किसी में मंदबुद्धि है, बाल सफ़ेद हो रहा है, तो समझिए उसमें B3 जो है, विटामिन B3 की कमी है। और विटामिन B3 का जो मुख्य स्रोत है ये आपको कहाँ से प्राप्त होगा विटामिन B3? तो आपको मांस से होगा, दूध से होगा, टमाटर से होगा और मूँगफली से होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको विटामिन B3 जो है आपको मिल जाएगा प्रचुर मात्रा में। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की बात करें, अगले विटामिन की बात करें तो इसमें जो है विटामिन B5, किसके बारे में?
विटामिन बी फाइव के बारे में बताया गया है। विटामिन बी फाइव का जो रासायनिक नाम है वो है आपका पेंटोथिनिक अम्ल। क्या नाम है? पेंटोथिनिक अम्ल। इसका जो रासायनिक नाम है आपका पेंटोथिनिक अम्ल है। और इसके कमी से आपको जो है त्वचा दाद, दाद खाज खुजली का नाम आप लोग सुने होंगे, त्वचा दाद और पेलाग्रा, ये दो बीमारी जो है विटामिन बी फाइव के कमी से होता है। और विटामिन बी फाइव का जो मुख्य स्रोत है बच्चों वो है आपका मांस, ठीक है, मूंगफली और आलू, इसमें जो है आपको विटामिन बी फाइव प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला यहाँ पे विटामिन है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स जो है अगला विटामिन है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका पाइरीडॉक्सिन, ठीक है, पाइरीडॉक्सिन आपका इसका रासायनिक नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन बी सिक्स का जो रासायनिक नाम है वो है आपका पाइरीडॉक्सिन। और इसके कमी से जो है आपको एनीमिया होता है और त्वचा रोग, ये दो चीज़ जो है विटामिन बी सिक्स के कमी से होता है आपको, ठीक है। इसके स्रोत की बात की जाए तो विटामिन बी सिक्स जो है आपको दूध में देखने को मिलता है, मांस में देखने को मिलता है और सब्जी, ये तीन चीज़ में जो है आपको विटामिन बी सिक्स प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। अगला देखिए, अगला है आपको विटामिन एच, या फिर इसको विटामिन बी सेवन भी बोला जाता है। विटामिन एच को ही विटामिन बी सेवन भी बोला जाता है, ध्यान रखना है आपको। इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटिन। क्या है? इसका रासायनिक नाम है आपका बायोटिन। विटामिन बी सेवन या फिर विटामिन एच का जो रासायनिक नाम है वो है आपका बायोटिन। इसके कमी से आपको जो होता है वो बहुत ही भयंकर रोग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लकवा। लकवा जो है आपको विटामिन एच के कमी से ही होता है, या फिर विटामिन बी सेवन इसको बोल सकते हैं। और शरीर में दर्द, ये दो चीज़ जो है आपको विटामिन एच के कमी से होता है खास करके। और इसका जो मुख्य स्रोत है विटामिन एच का जो मुख्य स्रोत है ये है आपका यीस्ट, ठीक है, गेहूँ और अंडा। इस तीनों में जो है प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन बी सेवन या फिर विटामिन एच बोल सकते हैं आप, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला देखिए विटामिन बी ट्वेल्व, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है विटामिन बी ट्वेल्व का। इसकी कमी से आपको रक्त क्षीणता होता है, ठीक है, और पांडु रोग होता है। रक्त क्षीणता खास करके स्त्री में होता है और एक पांडु रोग, ये दो जो है आपको विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से आपको देखने को मिलता है कम, ठीक है। और इसका जो स्रोत है वो है आपका मांस, ठीक है, कलेजी और दूध, ये तीनों में आपको विटामिन बी ट्वेल्व जो है प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। पहला मांस हो गया, कोई भी मांस ले लीजिए, ठीक है, और दूसरा कलेजी और तीसरा आपका दूध, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विटामिन सी, ये तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसको तो आपको ध्यान ही रखना है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको एस्कॉर्बिक एसिड है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसको आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लो, ठीक है, ये तो पूछा ही जाता है। विटामिन सी काफ़ी ही मतलब प्रचलित है, ये कई बार पूछा जाता है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। इसके कमी से जो रोग होता है वो होता है पहला एस्कॉर्बी, एस्कॉर्बी एसिड, इससे अपना याद रख सकते हैं, पहला जो होता है एस्कॉर्बी। दूसरा होता है मसूड़ों का फूलना, मसूर वगैरह दांत जो जहाँ पे लगा रहता है मसूड़ा, वो सब फूल जाता है इसी के वजह से, ठीक है। और विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है, सबसे तो जो पहला मुख्य स्रोत है विटामिन सी का वो है आपका आंवला। और खास करके आप लोग ध्यान रखना, जितने भी खट्टे फल सब्जी है उसमें आपको विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। जैसे यहाँ पर आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, इस सब में जो है प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन सी देखने को क्या होता है, मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखिए, अगला है आपका विटामिन डी, ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी पूछा जाता है कई बार। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या है इसका इसका क्या है रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसके कमी से जो रोग होता है ना, विटामिन डी के कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका रिकेटस, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है इसके कमी से होता है। और इसका जो सबसे मुख्य स्रोत है वो तो पहला स्रोत है आपका सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत और सबसे पहला स्रोत जो है आपका सूर्य का प्रकाश है। उसके बाद आपको दूध में भी विटामिन डी मिलता है और साथ ही साथ अंडा में भी। तो इस सब जगह से आप विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ धूप लेने की सुविधा उतना नहीं है तो आप इस सब को भी खा करके क्या कर सकते हैं, विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विटामिन ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल है इसका, ठीक है, इसका कैल्सीफेरॉल था और इसका है आपका टेकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का क्या है रासायनिक नाम? इसका रासायनिक नाम है आपका टेकोफेरॉल, ठीक है ना। और इसके कमी से जो रोग होता है वो होता है नपुंसकता, ठीक है, और बंध्यता।
नपुंसकता और बंधता, ये दो रोग जो है इसके कमी से होता है। और इसका जो स्रोत है ना विटामिन ई का, विटामिन ई का मुख्य स्रोत है हरी सब्जी, मक्खन और दूध। हरी सब्जी और मक्खन दूध अगर आप अच्छे से खाते पीते हैं तो आपको विटामिन ई की कभी भी कोई कमी आपके शरीर में नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है विटामिन के, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें का जो रासायनिक नाम है ना वो है फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका जो कमी से रोग होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्त का थक्का न बनना। अगर किसी भी मनुष्य में विटामिन के की कमी हो जाएगा तो वो क्या होगा, रक्त का थक्का ही नहीं बनेगा। अगर उसका कहीं पे कट लग जाए, कुछ हो जाए, तो ब्लड जो बहना स्टार्ट होगा तो वो बहते ही रहेगा। ठीक है, ब्लड का थक्का ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेता है कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन जो है वो सहायक होता है, या फिर इस तरह से कुछ पूछ लेता है, तो उसमें आपका होता है विटामिन के। विटामिन के वजह से ही आपका रक्त का थक्का जो है वो बन पाता है। और इसका स्रोत क्या क्या है देख लीजिए। तो इसका जो स्रोत है, इसका जो स्रोत है आपका टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। इसमें आपको विटामिन के जो है प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाता है। चलिए आगे हम लोग देखिए, विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तत्व थे उसको देख लिए हैं। अब हम लोग किस क्या देखेंगे, अब हम लोग रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम तथा रासायनिक नाम एवं सूत्र इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग MCQ भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे व्यापारिक नाम दिया गया है, उसके बाद उसका रासायनिक नाम दिया गया है और सूत्र दिया गया है। इससे भी क्वेश्चन जो है हर एक बार एक दो पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन तो आपको रहता ही रहता है। जैसे पूछ लेगा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, या फिर पूछ देगा सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या है, इस तरह से पूछ लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहले व्यापारिक नाम, फिर रासायनिक नाम, फिर सूत्र। तो देखिए साधारण, सबसे पहला यहाँ पे आता है साधारण नमक। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaCl। क्या होता है, NaCl इसका सूत्र होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे आपका, हो गया पहला साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक व्यापारिक नाम आपका साधारण नमक हो गया, मतलब व्यापारिक नाम का मतलब हुआ जिस नाम से आपको बाजार में वो वस्तु मिलता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका व्यापारिक नाम, साधारण नमक के नाम से ही तो नाम इसको जानते हैं। और इसका रासायनिक नाम आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, और सूत्र आपका NaCl। आप दुकान में जाओगे और बोलोगे NaCl दीजिए तो देगा आपको क्या, नहीं देगा, क्योंकि नहीं पता होता है बहुत लोग को। ठीक है, उस तरह इप्सम लवण, इप्सम लवण, लवण का जो आपका रासायनिक नाम है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो होता है MgSO4 × 7H2O, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगला आता है चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर का जो रासायनिक नाम है वो है आपका सोडियम नाइट्रेट। क्या है, सोडियम नाइट्रेट। इसका जो रासायनिक सूत्र है आपका NaNO3, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए सुहग्गा, सुहग्गा का नाम आप लोग सुने होंगे, सुहग्गा। ठीक है, इसका जो है आपका रासायनिक नाम वो होता है बोरेक्स। क्या होता है, बोरेक्स। सुहग्गा को ही बोरेक्स बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है बोरेक्स। और इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है ना वो होता है Na2V4O7 × 10H2O। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये PDF भी आपको मिल जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा, इसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसका PDF भी मिलेगा, तो PDF में और आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत जो है आगे नहीं आने वाला है, आपको सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा। अभी अच्छे से आप लोग देख लीजिए। अगला है आपका खाने का सोडा। कौन सा है, खाने का सोडा। तो खाने के सोडा को हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग पाउडर के नाम से इसको जानते हैं। व्यापारिक नाम इसका बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा बोलेंगे दुकान में तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम है ना वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, इसका रासायनिक नाम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। और इसका अगर रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो NaHCO3। क्या है, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखना है आपको। अगला होता है धोवन सोडा, जिसको वाशिंग सोडा भी बोलते हैं, जिससे हम लोग कपड़ा धोने का काम करते हैं। अगर कपड़े में कोई ज़्यादा दाग धब्बा आ जाता है तो उसमें हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं धोवन सोडा का। ठीक है, इसको वाशिंग सोडा भी बोला जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। और रासायनिक फार्मूला की बात की जाए, रासायनिक सूत्र की बात की जाए, तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O, जो है इसका रासायनिक सूत्र है। अगला देखिए कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको NaOH, इसका रासायनिक फार्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र जो है इसका NaOH है। ठीक है, चलिए तुतिया, जिसको नीला कशिश भी बोला जाता है, तुतिया का नाम सुने होंगे। इसका जो रासायनिक नाम है आपका कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट।
और इसका जो फार्मूला है, सूत्र है, वो है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O जो है इसका फार्मूला है आपका। चलिए आगे भी कुछ है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। अगला है उजला तोता, जिसको सफ़ेद कशिश बोला जाता है। इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसको जिंक सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है ZnSO4 × 7H2O। क्या है? ZnSO4 × 7H2O इसका जो है रासायनिक सूत्र है। अगला देखिए हरा कशिश, हरा कशिश को फेरस सल्फेट बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? फेरस सल्फेट है। और इसका जो सूत्र है आपका वो है FeSO4 × 7H2O। इसको एक बार आपको रिमाइंड कर लेना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से भी देखिए। उसके बाद जब आप PDF वगैरह देखेंगे तो क्या होगा, आपको ध्यान आ जाएगा आसानी से। एक दो बार देखोगे तो ध्यान आ जाएगा। इसमें सारे VVI है, जितने भी इसमें आपको देख रहे हैं दिख रहा है, सारा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला आता है संगमरमर, ठीक है, जिसको खड़िया बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये पूछा जाता है कई बार। और इसका रासायनिक फार्मूला होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3 जो है आपका संगमरमर का रासायनिक फार्मूला है। और इसका रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अगला आता है काली चूना, जिसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। और इसका जो रासायनिक फार्मूला है वो है आपका CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला देखिए, अगला है भखड़ा चूना। भखड़ा चूना का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। और इसका जो सूत्र है वो है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला देखिए, सिंदूर का नाम सुने होंगे, सिंदूर जो लगाती है स्त्री वगैरह, ठीक है, उसको भखड़ा भी बोला जाता है। तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम है ना वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है सिंदूर का रासायनिक नाम है। और इसका फार्मूला है आपका HGS। ध्यान रखना है आपको सिंदूर का, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम कर देते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार। वैसे तो ये जितना सारा दिख रहा है सारा महत्वपूर्ण है, लेकिन सिंदूर भी कई बार पूछा जाता है। अगला देखिए, सोडा। सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है आपका पोटासियम नाइट्रेट। और इसका जो फार्मूला है वो है KNO3, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सोडे का अम्ल। सोडे का अम्ल का है नाइट्रिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और इसका जो फार्मूला है वो है HNO3, ठीक है। अगला है नमक का अम्ल। नमक का अम्ल इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl बोलते हैं। HCl इसका जो है क्या है? फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है H2SO4। क्या है? H2SO4 इसका जो है रासायनिक सूत्र है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बहुत और बचा है, उसके बाद फिर MCQ देखेंगे, जो कि काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होगा। अभी आप अच्छे से देखेंगे तभी आप MCQ का आंसर क्या कर पाएंगे, कमेंट में दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए लगभग वहाँ पे 50 MCQ भी है, 50 के आसपास MCQ है, तो उसको भी हमें क्या करना है, देखना है। अगला देखिए, अगला है लाफिंग गैस। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, लाफिंग गैस के बारे में कई बार पूछा ही जाता है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, आपको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। देखिए लाफिंग गैस एक ऐसा गैस है, अगर ये आपके पास छोड़ दिया जाए ना तो आप हंसते हंसते क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे, वहाँ पर बहुत हंसोगे। मतलब इसका नाम ही है लाफिंग गैस, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। और इसका जो रासायनिक फार्मूला है ना वो है N2O। क्या? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है आपका अश्रु गैस, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अश्रु गैस देखे होंगे कहीं पे, अगर भीड़ वगैरह लग जाता है, आंदोलन वगैरह होते रहता है, तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा जो है अश्रु गैस चलाया जाता है। मतलब वो गैस चलाने के बाद क्या होगा, आपको आँख से दिखना नहीं, देख नहीं सकते, मतलब आँख में कड़वाहट टाइप से लगेगा, आप रोने लगोगे, ठीक है, इस टाइप से आपको हो जाएगा, ठीक है। तो उसे ही अश्रु गैस बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होता है ना वो होता है क्लोरोएसिटोफिनोन। क्या इसका होता है रासायनिक नाम? क्लोरोएसिटोफिनोन इसका रासायनिक नाम होता है। और रासायनिक फार्मूला की बात की जाए तो CCl3NO2, ठीक है, इसका जो है रासायनिक फार्मूला है, ठीक है। चलिए अगला आता है जिप्सम। जिप्सम भी महत्वपूर्ण है, मतलब इसमें जितने भी आपको लगभग 20-25 दिख रहा है ना, सारे महत्वपूर्ण को ही हम लोग यहाँ पे लिए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके ले लिए हैं, सारा इंपॉर्टेंट है, सारे को देखना है अच्छे से, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो जिप्सम देखिए, जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, ठीक है। CaSO4 × 2H2O जो है इसका रासायनिक फार्मूला होता है। अगला देखिए,
अगला है हमारा शुष्क बर्फ। ठीक है, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी आप लोग स्टार लगा लो, शुष्क बर्फ। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है। चलिए अगला देखिए, फिटकरी। फिटकरी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम होता है इसका? पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम होता है रासायनिक नाम। और इसका जो फार्मूला होता है ना वो बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिटकरी का जो फार्मूला होता है वो होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्रैश इंटू 24H2O। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो है इसका फार्मूला होता है। ध्यान रखिएगा, आराम से ये याद हो जाएगा, K2SO4Al2SO4 का होल थ्रैश इंटू 24H2O जो है इसका रासायनिक फार्मूला होता है। क्या करना है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को PDF जो दिया जाए तो आप लोग अच्छे से देखिए, PDF के बारे में भी हम बता देंगे। और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देख सकते हैं कितने मेहनत से आप लोगों के लिए जो है अच्छे से अच्छे कंटेंट लाया जाता है। ठीक है, तो क्लास को लाइक करके साथ ही साथ अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लेकर के आए और आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, गैलेना। गैलेना का जो रासायनिक नाम है ना वो है आपका लेड सल्फाइड। क्या है इसका नाम? रासायनिक नाम लेड सल्फाइड। और इसका रासायनिक सूत्र होता है PbS। क्या होता है? PbS। अगला देखिए, TNT का रासायनिक नाम होता है ट्राई नाइट्रो टॉलविन। क्या होता है? ट्राई नाइट्रो टॉलविन इसका रासायनिक नाम होता है। और इसका जो सूत्र है वो है C6H2CH3NO2 का होल थ्रैश। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जिसको KOH बोलते हैं हम लोग। KOH इसका क्या होता है? रासायनिक फार्मूला होता है। अगला देखिए, ब्रंजक चूर्ण इसका व्यापारिक नाम है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर के नाम से ही आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है ना ब्लीचिंग पाउडर, इसी के नाम से ये मार्केट में भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, ब्रंजक चूर्ण। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaOCl into Cl। ठीक है, चलिए CaOCl2 भी इसको बोल सकते हैं आप, CaOCl2 इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 into 1/2 H2O। क्या होता है? CaSO4 into 1/2 H2O जो है इसका फार्मूला होता है। अगला देखिए है साल्ट केक। साल्ट केक का जो रासायनिक नाम है वो है आपका सोडियम सल्फेट। क्या है इसका रासायनिक नाम? सोडियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Na2SO4। क्या? Na2SO4। अगला देखिए, अगला है आपका ग्लोबर लवण। ठीक है, ग्लोबर लवण का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है? सोडियम सल्फेट। और इसका जो रासायनिक फार्मूला है ना, रासायनिक सूत्र जो है इसका Na2SO4 into 10H2O, ध्यान रखना है। अगला देखिए बालू, जिसको क्वार्टज भी बोला जाता है। तो बालू का जो रासायनिक नाम है वो है आपका सिलिकन डाइऑक्साइड। क्या? सिलिकन डाइऑक्साइड। और इसका फार्मूला भी बहुत सिंपल ही है, SiO2। क्या? SiO2 जो है इसका रासायनिक फार्मूला है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। आगे एक स्लाइड सिर्फ बचा है, उसके दो स्लाइड बचा है, उसके बाद क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं, जैसे अम्लराज देख रहे हैं, भारी जल देख रहे हैं, श्वेत पोटास देख रहे हैं। ठीक है, चाइनीज श्वेत, हाइपो मार्स गैस, एल्कोहल, चीनी, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, देख लीजिए इसको अच्छे से आप लोग। ठीक है, चलिए एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बार बार देखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला है आपका अम्लराज। ठीक है, अम्लराज का जो रासायनिक नाम है ना वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। कभी कभी पूछ लेता है अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होगा, या पूछ देगा अम्लराज का रासायनिक नाम क्या है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे पूछेगा अम्लराज का रासायनिक नाम क्या है, तो बोलिएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका जो रासायनिक फार्मूला है वो है आपका HNO3+HCl। ठीक है, चलिए अगला देखिए भारी जल, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका जो फार्मूला है वो है D2O। ठीक है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका रासायनिक फार्मूला है आपका D2O, ध्यान रखना है। अगला है श्वेत पोटास। श्वेत पोटास का जो रासायनिक नाम है वो है आपका पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है ना वो है आपका KClO3, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो पूछा जा रहा है हाइड्रोजन पाराऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पाराऑक्साइड इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपको हाइड्रोजन पाराऑक्साइड ही है इसका। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है H2O2। ठीक है, चलिए
अगला है चाइनीज श्वेत। चाइनीज श्वेत का जो रासायनिक नाम है वो है आपका जिंक ऑक्साइड, जिसको जेड एन ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक फॉर्मूला जेड एन ओ, ध्यान रखना है। चलिए हाइपो देखिए, हाइपो इसका रासायनिक नाम है आपका सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का नाम सुने होंगे, ठीक है। और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है ये भी थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं Na2S2O3 × 5H2O जो है इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। अगला देखिए मीथेन का नाम सुने होंगे, मार्स गैस। मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मार्स गैस का जो रासायनिक नाम है ना वो है आपका मीथेन, ठीक है। मार्स गैस यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। तो मार्स गैस का जो रासायनिक नाम है वो है आपका मीथेन, और इसका जो फॉर्मूला होता है CH4 होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। आपको पूछ देता है डायरेक्ट भी कभी कभी कि मीथेन का फॉर्मूला बताइए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका एल्कोहल। एल्कोहल का रासायनिक नाम होता है इथाइल एल्कोहल। क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। C2H5OH जो है इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है। अगला देखिए चीनी। चीनी का जो रासायनिक नाम होता है सुक्रोज होता है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखिए आप लोग, ये भी पूछा जाता है चीनी का रासायनिक नाम क्या है? सुक्रोज। और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है C12H22O11, ठीक है। काफ़ी आसान है, C12H22O11 जो है इसका रासायनिक फॉर्मूला है चीनी का, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। ग्लूकोज और सुक्रोज का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और ये लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चन आपका आने वाला है, और जल्दी से आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कमेंट बॉक्स में अगला देखिए लिथार्ज। लिथार्ज का जो रासायनिक नाम है वो है आपका लेड ऑक्साइड। क्या है? लेड ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, और इसका जो रासायनिक फार्मूला है आपका PbO। क्या? PbO। अगला देखिए नौसादर, जिसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है आपका? अमोनियम क्लोराइड। जिसका रासायनिक फार्मूले की बात की जाए तो इसका जो रासायनिक फार्मूला है वो है आपका NH4Cl। क्या है? NH4Cl जो है इसका रासायनिक फार्मूला है। अगला देखिए सिरका। सिरका का नाम तो सभी लोग सुने होंगे, ठीक है, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। अगला देखिए सलेट। सलेट का रासायनिक नाम होता है सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है? सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। और रासायनिक फार्मूला की बात करें तो Al2O3 2SiO2 × 2H2O जो है इसका रासायनिक फार्मूला होता है। अगला देखिए बिना बुझा हुआ चूना, ये पूछा जाता है। तो बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका रासायनिक नाम है। और रासायनिक फार्मूला की बात की जाए तो CaO, कैल्शियम और ऑक्साइड, ठीक है। चलिए ये बिना बुझा हुआ चूना हो गया, और बुझा हुआ चूना की बात करें, ठीक है, चूना पानी जिसको हम लोग बोलते हैं बुझ जाता है। पानी डालने के बाद चूना क्या होता है? बुझ जाता है। आप देखे होंगे चूना को जब डालेंगे पानी में तो एकदम खोलेगा, लगेगा इसमें से आग की तरह खोलेगा, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। और इसका रासायनिक फार्मूला जो है आपका, एक सेकेंड रुक जाइए, पीडीएफ देने में दिक्कत होगा, हाँ चलिए, इसका जो रासायनिक फार्मूला है वो है आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए दोनों चीज़ को, विटामिन और ये रासायनिक फार्मूला जो था देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसको देखते हैं। बताइए जल्दी से आंसर आप लोग कीजिएगा। पूछा जा रहा है कि धोबन सोडा, जिसको वाशिंग सोडा बोला जाता है, पीछे ही हम लोग देखें, का रासायनिक नाम क्या है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो धोबन सोडा का रासायनिक नाम हम अभी आप लोग को बताएं कि सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जितने भी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम देखिए किस तरह से पूछा जाता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जस्ट हम आपको बताएं कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला देखिए, रतौंधि किस विटामिन के कमी से होता है, बताइए। रतौंधि जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? 10 सेकेंड रुकते हैं, बताइए आंसर इसका। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। रतौंधि किस विटामिन के कमी से होता है? तो रतौंधि जो है आपका विटामिन सी के कमी से होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, विटामिन सी के कमी से नहीं होता है बच्चों, विटामिन ए के कमी से होता है। देखिए अभी हम क्या बोल दिया आपको, ठीक है। विटामिन ए के कमी से क्या होता है आपका? रतौधि होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। विटामिन ए के कमी से क्या होता है आपका? रतौधि होता है। विटामिन सी के कमी से आपका एस्कर्बी होता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। चलिए
अगला देखिए, चार नंबर इसमें पूछा जा रहा है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। अभी हम आपको बताए थे लाफिंग गैस के बारे में, इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला देखिए, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, प्लास्टिक नहीं होगा। यहाँ पे प्लास्टिक लिख दिया है, कोई बात नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CaSO4 into 1/2 H2O। तो देख लीजिए कहाँ पे है, C में आपको दिख रहा है CaSO4 into 1/2 H2O जो है, इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात की जाए, पूछा जा रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है बताइए। तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है ना, वो है आपका आंवला। क्योंकि आपको हम बताए थे कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी जो है आपका पाया जाता है। तो आंवला में, आंवला तो बहुत ही खट्टा है ना, तो ये आपका अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। अगला देखिए, अगला सात नंबर देखिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी रोग जो है ना वो विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। किसके? विटामिन B1 के कमी के कारण जो है आपका बेरी बेरी रोग होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, मतलब सी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। मतलब वसा में कौन कौन से विटामिन जो है वो आसानी से घुल जाते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये तीनों जो है वसा में आसानी से ही घुल जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि सभी विटामिन ए, बी और सी, ये तीनों जो है आसानी से क्या होते हैं, वसा में घुल जाते हैं। तो डी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले को देखते हैं, पूछा जा रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, जल में कौन कौन सा विटामिन जो है वो घुल जाता है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो जल में जो घुलनशील है आपका विटामिन बी और विटामिन सी, ये तीनों जो है जल में बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं। तो इसलिए आपका सी आंसर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, तो पूछा जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है और आपको पता भी होगा, क्योंकि हम पीछे जो है बता दिए हैं आपको कि विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होता है वो होता है आपका रतौधी, ठीक है। कौन सा बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होता है? रतौधी। तो बी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका थायमिन। क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है आपका? थायमिन है, ध्यान रखना है आपको। चलिए इसी तरह के प्रश्न जो है विटामिन से पूछे जाते हैं। अगला देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ना वो है आपका रेटिनॉल। क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल है। ए आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए, बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है ना वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिना बुझा हुआ चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा। यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना का क्या पूछ रहा है? रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो बिना बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO। क्या होता है? CaO, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, शुष्क बर्फ, ठीक है। शुष्क बर्फ कहा जाता है, किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है, पीछे हम बताए थे, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ बोला जाता है। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, अश्रु गैस का रासायनिक नाम, अश्रु गैस बताए थे जिसको छोड़ने से क्या होता है, आंसू आपकी आँख में आने लगता है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है ना वो होता है क्लोरोएसीटोफिनोन। क्या होता है? क्लोरोएसीटोफिनोन जो है इसका रासायनिक नाम होता है, ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी जो है आपको विटामिन सी के कमी से होता है। आपको बताए थे कि स्कर्वी क्या होता है? विटामिन सी के कमी के कारण होता है, और विटामिन सी को पूरा करने के लिए आपको खट्टे फल वगैरह जो है खाना चाहिए, क्योंकि खट्टे फल जैसे आंवला, संतरा, इस सब में क्या होता है? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला देखिए, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए नीचे, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, इसका आंसर हम नहीं बताने वाले, ठीक है। इसका आंसर हम नहीं बताने वाले। 18 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर 18 का आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है।
इसका आप लोग आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा या फिर बता ही दे, फिर भी आप लोग को लिखना है बता देते हैं। विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक मात्रा में जो है विटामिन डी हमको प्राप्त होता है उससे, वो भी सुबह के टाइम में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विटामिन बी सेवन का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, सॉरी रासायनिक नाम पूछा जा रहा है विटामिन बी सेवन का। तो बी सेवन का जो रासायनिक नाम है ना वो है बायोटीन। क्या? बायोटीन जो है इसका रासायनिक नाम है। बी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CaSO4 × 2H2O, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, नपुंसकता या बंधता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता जो है वो होता है आपको विटामिन ई के कमी के कारण, ठीक है। तो विटामिन ई को आपको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 22 नंबर पूछा जा रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है ना वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका रासायनिक नाम होता है, ध्यान रखना है आपको। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम, ठीक है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम तो सभी को पता ही होगा, सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला देखिए, विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है ना वो होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस जो है आपको किसको कहा जाता है? तो मीथेन को ही मार्स बोला जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मीथेन गैस का ही रासायनिक नाम, सॉरी मार्स गैस का ही रासायनिक नाम क्या है? मीथेन है। चलिए अगला देखिए, भारी जल, भारी जल का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो भारी जल का जो रासायनिक नाम होता है ना वो होता है ड्यूटोरियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है आपका D2O। क्या होता है? D2O, बताए थे आपको। अगला देखिए, भारी जल का रासायनिक सूत्र यहाँ पे आ गया ना, भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका क्या होता है? D2O होता है, पीछे हम आपको बता दिए थे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 28 नंबर पूछा जा रहा है कि मछलियों के यकृत, मछलियों का जो यकृत होता है ना, यकृत के तेल जिसको मछली का तेल आप लोग बोलते हैं, उसमें कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? बहुलता मतलब प्रचुर मात्रा में होती है। तो मछली का जो यकृत होता है ना उसमें आपको प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? डी मिलता है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगर उस विटामिन को अगर आप गर्म चाहोगे, गर्म करके यूज करें, तो वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो विटामिन है आपका विटामिन सी, ठीक है। अगर आप विटामिन सी को गर्म करते हो तो वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन सी अगर आप चाहते हो प्राप्त करना, तो ऐसे जिस पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है उसको बिल्कुल भी आपको क्या करना है? गर्म नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 30 नंबर पूछा जा रहा है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेटस। कौन होता है? रिकेटस, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है विटामिन शब्द किसने दिया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विटामिन शब्द जो है ना यह किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो दिया गया था बच्चों, ये दिया गया था फंक के द्वारा। किसके द्वारा? फंक के द्वारा, याद रखेंगे। विटामिन शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? फंक के द्वारा दिया गया था। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है ना वो है कैल्शियम हाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम हाइड्रेट, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या किसका पूछ रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ रहा है ना, एक सेकंड रुक जाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछ रहा है, ये नहीं होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है ना वो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, डी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ रहा था। चलिए अगला देखिए, 33 नंबर पूछा जा रहा है इसमें, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट। आपका जिप्सम का क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। चलिए हाँ, अगला देखिए, 34 नंबर, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है आपको पाया जाता है विटामिन B12 में। किस में? विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, रक्त को थक्का बनाने में सहायक, काफ़ी महत्वपूर्ण, रक्त को थक्का बनाने में सहायक जो होता है वो कौन सा विटामिन होता है? तो रक्त को थक्का बनाने में जो सहायक होता है वो होता है आपका विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है आपको रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। अगला देखिए, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन ए और बी के जो आविष्कारक है ना
वो है आपका मैकुलन। कौन? मैकुलन। ध्यान रखना है आपको, विटामिन ए और विटामिन बी दोनों जो है मैकुलन के द्वारा ही खोजा गया था। नेक्स्ट की बात करें तो विटामिन सी का आविष्कार पूछा जा रहा है कि विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था, तो विटामिन सी का जो आविष्कार है ना वो होलकट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? होलकट, यानी कि सी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अम्लराज, अम्लराज मिश्रण है किसका, तो अम्लराज जो है ना आपका HNO3 और HCl, ये इस दोनों का क्या है? मिश्रण है। ध्यान रखना है, तो ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, आपको 38 में से कितना यहाँ पे सही हुआ या फिर कितना प्रश्न आप पहले से जानते थे, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और पहली बार अगर आप चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा जो है वो मिल सके। आप आपको बता देते कि इसका PDF कहाँ पर मिलेगा, तो PDF जो है ना आपको LGR स्टडी लैब ऐप जो है ना उस पर आपको PDF मिल जाएगा। LGR स्टडी लैब ऐप पे PDF मिल जाएगा। तो इस ऐप को जो भी बच्चे डाउनलोड नहीं किए उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे क्लास PDF के नाम से एक फोल्डर बना रहेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर सर्च करना है आपको LGR स्टडी ऐप, तो आपको ये एप्लीकेशन आ जाएगा। ये दो एप्लीकेशन आएगा, पहला ये और दूसरा ये, दोनों एप्लीकेशन आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओनली फॉर 3 MB का है, ठीक है, और ये 12-14 MB का होगा, ये 12 से 15 MB के बीच का होगा। दोनों को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे जब भी कोई क्लास आएगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।